कॉल आते ही इंटरनेट या फिर नेट बंद हो जाता है। क्या आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आप जिस सिम से नेट चलाते हैं उस सिम पे कॉल आ जाता है या फिर दूसरी सिम पे कॉल आ जाता है तो इंटरनेट है वो बंद हो जाता है, यानी कि आप किसी से कॉल करते हैं तब भी आपका इंटरनेट है वो बंद हो जाता है। तो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सॉल्यूशन आज की इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। 3 सेटिंग आपको बताऊंगा, अगर आप ये कर लेते हैं फिर आपको ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि कॉलिंग टाइम इंटरनेट है या नेट है बंद नहीं होगा, चाहे आप कर रहे हो कॉल या फिर दूसरा कोई व्यक्ति कॉल कर रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहली जो सेटिंग है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। तो चलिए हम सेटिंग में चलते हैं, मोबाइल की सेटिंग में, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कनेक्शन करके, या फिर आपके फ़ोन में ऑप्शन हो सकता है सिम कार्ड मोबाइल डाटा या फिर मोबाइल नेटवर्क, उस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करें फिर यहाँ पे आपको मिलेगा सिम मैनेजर, सिम मैनेजर पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आप मोर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मोर सिम सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देख सकते हैं डुअल सिम ऑलवेज ऑन, ये आपका ऑन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑन है। अब यहाँ से आपको बैक चलना है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपने डायलर पे, डायलर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कीपैड यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ 2 डॉट या 3 डॉट जो भी है उस पर क्लिक करके सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगी सप्लीमेंट्री सर्विस, ये देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है, ये देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सबसे पहले ओपन करना है इसे, तो थोड़ा टाइम ले लेता है ये ध्यान रखना है टाइम लेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन सभी खुलते हैं इसलिए, तो थोड़ा वेट कर लीजिए आप यहाँ पे। ये देख सकते हैं ओपन हो गया है, कॉल वेटिंग का ऑप्शन है, या आपका यदि बंद है तो इसे कर लीजिए चालू, यानी कि ऑन कर लीजिए। बस 2 सेटिंग तो ये करनी है आपको। तीसरी क्या है कि आपको क्या करना है, तीसरी सेटिंग ये है कि जैसे कि मैं यहाँ पे सेटिंग पे फिर से क्लिक करता हूँ और कनेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं सिम मैनेजर में जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि ये देख सकते हैं कॉल की सिम 2 यहाँ सिलेक्ट है और यहाँ पे मोबाइल डाटा 2 सिलेक्ट है इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है, जैसे कि मोबाइल डाटा आपको आपका 2 सिम पे है, 2 सिम पे चल रहा है। ठीक है, अब जिस व्यक्ति से आप कॉल करेंगे तो 2 ही सिम से कीजिए, या जो कोई व्यक्ति आपसे फ़ोन करेगा उससे कहिए कि 2 नंबर पे सिम, जो भी नंबर है आपका उसी नंबर पे कॉल कीजिए, तो उससे डाटा भी चलेगा और कॉल भी। ठीक है, बात हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कॉल आती है 1 नंबर पे, डाटा चलता है 2 नंबर पे, तो कॉल तो चलेगी लेकिन डाटा नहीं चलेगा। इसका कोई अभी सॉल्यूशन नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही है तरीका। ठीक है, आपको क्या करना है, जिस सिम से आप डाटा चला रहे हैं उसी सिम से आपको कॉल करनी है, या उसी सिम से आप कोई व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है उससे कहना है कि उसी नंबर पे कॉल करें। ठीक है, तो आपका डाटा ऑफ बिल्कुल भी नहीं होगा। रीज़न ये है कि 2 नंबर से आप डाटा चलाते हैं और 1 नंबर की सिम से आप कॉल करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, या 1 नंबर से डाटा चलाते हैं 2 नंबर की सिम से कॉल करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिस सिम से आप डाटा चला रहे हैं उसी सिम पे कॉल करनी है, उसी सिम से कॉल करनी है, और उस व्यक्ति से भी कहना है उसी सिम पे वो कॉल करें, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो में लेता हूँ, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। जय हिंद।